सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं दोस्तों, अगर आपके पास इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 5G मोबाइल है, आप उसमें F5 करना चाहते हैं। दोस्तों आपको F5 करने के लिए करना क्या है, सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का पर शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको दोस्तों नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी। आपको सिंपली प्राइवेसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। सो होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी प्रोटेक्शन। आपको सिंपली इस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्साइड। आपको सिंपली इस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोस्तों अब आपको जो भी पिन डालना है आपको यहाँ पर डाल देना है। अब तो डालने के बाद आपको आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। दोस्तों आप F5 करना चाहते हैं तो आपको F में सिंपली चले जाए। F में जाने के बाद तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लस का। आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। दोस्तों आप जो भी F5 करना चाहते हैं इसके लिए करना क्या है, तो आपको सिंपली उसके सामने टिक इनेबल करना। इंस्टाग्राम के सामने दोस्तों टिक इनेबल कर देना। दोस्तों टिक इनेबल करने आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद तो बैग देखते हैं। बैग आने के दोस्तों अपने ऐप बार में जाते हैं। ऐप बार में दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हमारा इंस्टाग्राम यहाँ पर कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने मोबाइल में F5 कर पाएंगे। दोस्तों अब F5 चलाएंगे कैसे, इसके लिए क्या करना है, सिंपली दोस्तों अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग्स का। आपको सिंपली सेटिंग्स वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा हिडन एप्स। आपको सिंपली उस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद तो आपने जो पिन डाला था आपको यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। अब तो आपने एप साइड की तो आपको एप्स में चले जाना है। एप्स में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। सो ना दोस्तों अब जो भी आप यहाँ से F5 किया है दोस्तों आप यहाँ से आसान तरीके से चला सकते हैं। अब तो आप यही ऐप अनहाइड करना चाहते हैं इसके लिए करना क्या, सिंपली आपको थोड़ी देर मिल पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट का। आपको सिंपली सेलेक्ट वाले पे क्लिक करना। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इंस्टाग्राम पे टिक करना है। टिक करने के बाद तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अनहाइड का। दोस्तों आपको यहाँ पर अनहाइड कर देना है। दोस्तों फिर से एक बार आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा अनहाइड का, फिर से आपको अनहाइड कर देना है। दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल में हाइड हुए एप्स चला पाएंगे एंड एप हाइड और अनहाइड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बैठे के मिलेगी वीडियो में।